गोंडा जिले में इस समय पात्र और अपात्र राशन कार्ड धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। हर व्यक्ति अपने को किस श्रेणी में पाता है इसके लिए जगह जगह जानकारी कर रहा है और सरकार की गाइडलाइन की जानकारी कर रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि जिले में कुल 60,000 राशन कार्ड होल्डर हैं, जिसमें 20,000 राशन कार्ड पात्र हैं। इसमें लगभग 9,000 लोगों ने अब तक कार्ड सरेंडर कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति के पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एसी, इनकम टैक्स पेई, सरकारी नौकरी या पेंशनर है, ये सारे लोग अपात्र हैं। इनमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी आय 2 लाख से ज्यादा और नगर क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा है, वे अपात्र हैं। उनको राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। शासन का ये निर्देश प्राप्त हुआ था कि ऐसे राशन कार्ड धारक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उनका सत्यापन करते हुए और उनके राशन कार्ड को डिलीट करने की कार्रवाई की जाए। लगभग अभी तक 9,000 लोगों ने अपने राशन कार्ड समर्पित किए हैं। इसके अलावा जनपद में राजस्व विभाग और ग्राम विकास की एक टीम बनाकर ग्राम गांव में राशन कार्डों का सत्यापन भी कराया जा रहा है। जो अपात्र पाए जाएंगे उनके राशन कार्ड डिलीट भी किए जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये मानक निर्धारित है कि अगर किसी के परिवार में चार पहिया गाड़ी है, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, हार्वेस्टर है, एसी है, इनकम टैक्स पे ही है या सरकारी नौकरी और पेंशनर है, जिसकी परिवार में समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रुपया ग्रामीण क्षेत्र में पर ईयर और नगरीय क्षेत्र में 3 लाख पर ईयर से अधिक है, तो ऐसे परिवार जो है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आते हैं, यानी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे लोग अपने आप राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। यूपी सरकार का ये आदेश है कि जिनके पास सरकारी नौकरी है और गाड़ी है, एसी है और जो इनकम टैक्स भरते हैं, उन सारी योजना मतलब उनको इसके तहत कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए राशन कार्ड को यहाँ आके जमा करवाएं। इस आदेश का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे हिसाब से जो गरीब हैं उनको मेरे हिस्से का चीज दिया जाए तो गरीब लोग हैं उनको इसकी सुविधाएं मतलब ज्यादा से ज्यादा पहुँच पाएंगी। सरकार द्वारा नया आदेश जारी हुआ कि जिसके पास चार पहिया वाहन, जनरेटर, पक्का मकान आदि है, वो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे, अर्थात उनके खिलाफ वैधानिक विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए हम जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय गोंडा आकर अपना राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं और सरकार का जो है जो आदेश है उसका हम पालन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं।